उत्तराखंड के इस मशहूर पर्यटक स्थल पर एक साथ 20 ढाबों और रेस्टोरेंटों पर बुलडोजर चला है। यह मशहूर पर्यटक स्थल चोपता है और आज चोपता के बनियाकुंड में उन होटलों को तोड़ दिया गया जो अवैध तरीके से बने हुए थे। ये रेस्टोरेंट और ढाबे फॉरेस्ट की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए थे। इनका पक्का निर्माण कराया गया था, लेकिन जब अतिक्रमण पर धामी सरकार ने एक्शन लिया तो लाखों रुपए लगाकर बने इन रेस्टोरेंटों को एक झटके में तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि यह ढाबे और होटल चोपता के बनियाकुंड में सड़क किनारे बने हुए थे। इनके मालिकों ने करीब 200 मीटर वन विभाग की जमीन को कब्जाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वन विभाग ने पूरे इलाके को खाली करवा लिया। आज रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार चोपता बनियाकुंड क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र में 8 अतिक्रमणकारियों के 16 अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। इसमें भारतीय वन अधिनियम के धारा 61 के तहत इसमें विधिवत रूप से सुनवाई और कार्रवाई की गई थी, जिसके क्रम में बेदखली के आदेश पारित किए गए थे और उसके क्रम में पर्याप्त समय देने के बाद अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण न हटा जाने के पश्चात इसे बलपूर्वक जिला प्रशासन और पुलिस बल के मदद से इन अतिक्रमणों को मुक्त कराया गया है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन 117 के अनुपालन के क्रम में आदेश दिए गए थे कि एनएच के आसपास के वन क्षेत्रों में अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में अवैध जमीनों के कब्जों पर तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में भी प्रशासन चोपता समेत आसपास के इलाकों में अतिक्रमण को हटा रहा है, जिसका स्थानीय महिलाएं भारी विरोध भी कर रही हैं। वहीं कुछ दिन पहले यह विरोध इतना तेज हो गया था कि कुछ महिलाएं जेसीबी मशीन के ऊपर चढ़ गई थीं। हालांकि विरोध का असर प्रशासन पर तनिक भी नहीं पड़ा और अतिक्रमण को नियमानुसार हटाया जा रहा है। इसके अलावा इन दिनों उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अवैध कब्जे को हटाने का काम तेजी से हो रहा है। प्रशासन अब तक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर चुका है। उत्तराखंड तक के लिए रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिमौल की रिपोर्ट।